हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर आप धनी के यूज़र हैं और यहां पर आपके लिए डेली क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलती है, लेकिन धनी वालों ने अभी एक अपडेट किया है। यहां पर आपके लिए एक अपडेट मिला होगा, हर किसी यूजर के लिए ये अपडेट मिल रहा है। और यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपके लिए यहां पर शॉपिंग करते हैं तो 20% का आपके लिए कैशबैक मिलेगा, और यहां पर आपके लिए डेली स्टोर की लिमिट 500 रुपये दी जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि हमसे पूछ रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कि सर, जो धनी की लिमिट, यहाँ पर जो स्टोर लिमिट है, इसको बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। बहुत सारी कमेंट आ गई हैं, तो जिसमें मैंने दोस्तों कंप्लीट वीडियो, मैंने सोचा कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूं, जिससे कि लोगों का कंफ्यूजन है वो दूर कर दिया जाए। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के काम की और इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके लिए डेली लिमिट यहाँ पर भी मिल रही है, और आपके लिए इस जो अपडेट आया था, जे भी अपडेट आपके लिए मिल चुका है, और आप समझ रहे हैं कि जो डेली स्टोर लिमिट है, इसको बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो स्टोर लिमिट है और आपकी जो डेली क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, दोनों लिमिट सेम है। अगर आप स्टोर लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और तो आपकी जेबी लिमिट बैंक ट्रांसफ़र आपके ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब कि लिमिट है, दोनों सेम है आपके लिए। जैसे सिर्फ इसलिए बताया गया है, जो अपडेट इसलिए लाया गया है इसमें स्क्रीन पर, मतलब कि धनी वालों ने ये स्क्रीन पर इसलिए लाए हैं क्योंकि आप वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो आपके लिए डेली लिमिट मिल रही है, यहाँ पर डेली लिमिट मिलती है, वो यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि डेली स्टोर की लिमिट है। उनका कहने का मतलब है, जो आपके लिए यहाँ पर लिमिट दी जा रही है, उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। ये डेली स्टोर की लिमिट है, यहाँ पर आप दोस्तों अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शॉप नाउ पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे सामने इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुल जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मिल चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं अपनी डेली की लिमिट में से। जैसे कि आपकी जो डेली यहाँ पर लिमिट दिख रही है, यहाँ पर जो आपकी डेली लिमिट यहाँ पर 500 रुपये दिख रही है, अगर आप शॉप करते हैं तो इसमें से भी कम होगी और इसमें से भी कम होगी। मतलब कि 500 रुपये सेम है, मतलब कि दोनों ट्रांजेक्शन सेम है, कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है। डिफरेंट दो अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग हो, ऐसा लिमिट दोनों नहीं है, दोनों लिमिट सेम है। इस पर आपके लिए दिखाया गया है कि आपके लिए जो लिमिट यहाँ पर दी गई है, जो सिर्फ डेली जो डेली स्टोर की लिमिट है, आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपका कन्फ्यूजन था, कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि हम इस लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करें, तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। लेकिन आप जो इस लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डेली लिमिट आपके लिए मिलती थी, अगर आप इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली यहाँ से कम हो जाएगी। अगर यहाँ से 2 रुपये यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ से भी 2 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट में जो लिमिट को भेजेंगे तो ये भी लिमिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट में आसानी से भेज तो सकते हैं, लेकिन मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि आप जो सोचते हो कि 500 रुपये जी अलग है तो 500 रुपये जी अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों लिमिट सेम है, आप एक कोई इस लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।